गाइस व्हाट इज अप सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस सुबह के बज रहे हैं 5:30 और हम लोग निकल रहे हैं वृंदावन के लिए। बट मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई रात को, मुझे बहुत ज्यादा लूज मोशंस और वॉमिटिंग हो गई थी। तो सब लोगों ने बोला कि कैंसिल कर देते, प्लान कैंसिल कर देते। तो मैंने कहा नहीं, मेरी वजह से इतना डिले हो जा रहा है। बट मुझे इस बार फुल एंड फाइनल जाना ही है, क्या पता मैं जाके ठीक हो जाऊँ। अभी मेरी शक्ल से लग ही रहा होगा मेरी तबीयत खराब है। अभी मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है और बॉडी पेन भी है। बट मैंने सारी दवाइयाँ रख ली, सारी दवाइयाँ खा ली थी और अभी जाते हैं, मतलब चलते हैं और पक्का मुझे ठीक हो जाएगा। वहां जाके अच्छा फील होगा, मैं बेटर होके आऊंगी, क्योंकि घर में रह रहेगी भी फ्रस्ट्रेट होगी, बीमार। अब बस इधर चलते हैं। और शिल्पा ने सारी पैकिंग कर ली, मेरा सारा सामान रख दिया है क्योंकि मैं सोई हुई थी, उसने मुझे उठाया ही नहीं। बस मैं उठी हूँ, फ्रेश हुई हूँ, रेडी हुई हूँ और अब हम निकल रहे हैं। तो चलो जर्नी स्टार्ट करते हैं, आई एम वेरी एक्साइटेड। बस तबीयत साथ दे मेरा और मैं ठीक रहूँ, लेट्स गो गाइस। सो गाइस फाइनली हम लोग वृंदावन पहुंच चुके हैं और मैं रास्ते में सोते हुए ही आई हूँ क्योंकि मेरे को दवाई के इतने नशे हो रहे थे। और अभी हमें पेट फ्रेंडली होटल नहीं मिल रहा, हम लोग बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे हैं ढूंढने की, बट लेट्स सी कि मिल पाता है नहीं। और शक्ल भी मेरी बड़ी उतरी सी हो गई है। तो अब मैं सीधा फ्रेश होके चेंज करके अच्छे से शक्ल करके और जब होटल मिल जाएगा तब आप लोगों से मिलती हूँ। अभी हम लोग कुछ खाने आए हैं और उसके बाद जाएंगे अपना होटल और फिर We'll just rest for a few hours, then we'll go to Stone in the evening. और अगर आपको background music सुनाई दे रहा है तो बहुत soothing है, बहुत soothing। मेरा वृंदावन आके ऐसा मन करता है मैं यहीं रह जाऊँ, मैं वापस ना जाऊँ। वृंदावन में पहले तो बारिश नहीं हो रही थी इतने दिनों से, हमने कभी पता किया था, और अब हमारे आते ही बारिश, कितना ही सुहाना मौसम हो गया हमारे आते। अच्छा, कोई लाइन चेंज नहीं करनी है जिंदगी में। नहीं फाइनली हम लोग अपने होटल रूम आ गए हैं और अभी बज रहे हैं एक बज चुका है। तो गाइज अभी हम लोग सोएंगे 5 बजे तक, फिर रेडी होके 6 बजे तक जाएंगे इस्कॉन। अभी 4 बजे तक सोएंगे, 5 बजे तक जाना है। 5 बजे जाना है, ओके 4 बजे तक सोएंगे, 5 बजे जाना है। तो मैंने बाइक राइड भी ली वृंदावन में, इतना मजा आया, गली गली घूमी है वृंदावन की। और हमारे आते इतना अच्छा मौसम भी हो गया, धूप थी नहीं बिल्कुल, मतलब मैं कहती हूँ ना भगवान की बंदी हो गाइज, भगवान कहते हैं तुम इतनी तबीयत खराब में, कृष्ण जी ने सोचा कि इतनी तबीयत खराब में भी आई है वृंदावन, तो इसके लिए इतना तो करना बनता है कि मौसम अच्छा कर दिया, धूप ही नहीं थी कि हम अच्छे से घूम पाए। और शाम को भी घूमने जाएंगे अच्छे से। और शिवम कितने बड़े आश्रम का इतना छोटा होकर भी इतने अच्छे से देख रेख करता है, तेरी एज क्या है वो? इसमें नहीं पता शिवम कौन कुछ बता देना। तो अभी सोते हैं हम फटाफट से। और यार फिर से खाना खाया ना तब से मेरे पेट में अजीब अजीब सा हो रहा है, मुझे दवाई लेके ही सोना पड़ेगा क्योंकि फिर से कहीं मुझे पॉटी ना जाना पड़ जाएगा। तो अब सीधा सोते हैं और फिर मिलते हैं आपको सीधा शाम को तैयार होकर। सो गाइज फाइनली हम लोग सो के उठ चुके हैं, अब हम लोग निकल रहे हैं स्कॉन टेम्पल के लिए। शाम के 6 बज गए हैं और मैंने ये व्हाइट सूट ही पहना है गाइज, बताना कैसा लग रहा है ये, अभी तो पूरा दिख नहीं रहा होगा बट मेरा ये व्हाइट सूट पहनना वेस्ट हो गया एक तरह से, क्योंकि अंधेरा हो गया है तो फोटोज वीडियोज तो अच्छे से बनी नहीं पाएंगी। फिर भी कोई नहीं, हम अभी स्कॉन टेम्पल चलते हैं क्योंकि मुझे कृष्ण जी के सामने अच्छा उनके ज्यादा सुंदर था कि उनको लगे वाओ इतना सुंदर बच्चा कहाँ से आया, और फिर मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस्कॉन जाने के लिए। बुक्स भी लूंगी बहुत सारी। 8:30 बजे आरती होगी, अभी 6 बज रहे हैं, हम पहले ही जाएंगे, थोड़ा भजन कीर्तन होगा, थोड़ी वाइब बनेगी गाइस और बहुत मजा आएगा। तो अभी बस सीधा निकलते हैं, कैमरा मैं यहीं छोड़ के जाऊंगी क्योंकि भीड़ होती है और कैमरा कैरी नहीं कर पाऊंगी। बाकी यहाँ पे इतनी बारिश हो रही है और मैंने व्हाइट पहना है तो कोई नहीं, चलो देखते हैं, गंदे हो जाएंगे तो हो जाएंगे कपड़े, क्या हो गया। और फोन से ब्लॉग करूंगी आगे गाइस। सो लेट्स गो, आई एम वेरी 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 एक्साइटेड इतने टाइम बाद वृंदावन में, बहुत खुशी हो रही है और बहुत ही ज्यादा खुश हूँ मैं। अब बस कृष्ण जी से मिलने की इच्छा पूरी हो जाए बस मेरी, की बस एक्सप्रेस नहीं कर सकती मैं तुम लोगों की मैं कितनी खुश हूँ। तो अभी चलते हैं और तुम लोगों को भी दर्शन कराते हैं, लेट्स गो गाइस।
गाइस इस बुक को देख के तुम्हें याद आ गया होगा कि मैंने वृंदावन के स्कॉन से फर्स्ट बुक यही ली थी और आज लिया ही है। हम लोग आ चुके हैं होटल वापस और ये सब देखकर आप अनुमान लगा ही सकते हो कि कितना ही अच्छा डे था और कितना ही ज्यादा मजा आया आज हम लोगों को। तो सबसे पहले तो हम लोग गए थे स्कॉन टेंपल और वहाँ पे जाके कीर्तन किया बहुत अच्छे से, बहुत मजा आया। उसके बाद हम लोग फिर उसके बाद स्कॉन में आरती करने गए आगे। तो आगे इतनी भीड़ थी कि हम पहले कीर्तन कर रहे थे तो हम सारे पीछे बैठे हुए थे, उसके बाद लोग पहले से पहले आगे चले गए थे आरती के टाइम, तो वहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ थी। तो जो शिवम है हमारे जो भी है जो हमें सारी जगह घुमा रहे हैं और उन्होंने कहा कि रुको तुम वेट करो, फिर वो हमें पीछे से लेकर गए, मतलब उन्होंने अपनी तिकड़म बाजी लगाई। तो फिर हमने वीआईपी दर्शन करे। वैसे वीआईपी दर्शन जैसा कुछ होता नहीं है गाइस, सबके लिए सेम है भगवान जी तो, पर ऐसा था कि बहुत आगे से देख पाई जो मेरा मन था क्योंकि हम सबसे आगे खड़े हो गए थे, हमें बहुत खुशी हुई। फिर उसके बाद ये हुआ मेरे साथ कि सब माला चढ़ा रहे थे तो मैं सबको देख रही थी, हम क्योंकि लेट हो रहे थे, आरती का भी टाइम था और सब कंफ्यूज हो रहे थे तो हमने बाहर से ली नहीं। तो उसके बाद मैं सबको देख रही थी कि सब माला चढ़ा रहे थे और मैं मतलब ऐसा हो गया था मुझे रोने जैसा, मैं रोना शुरू कर दिया वहाँ पे कि यार हम नहीं लेके आए। तो फिर मैंने देखा जो वहाँ के गार्ड है वो आए दो माला लेके, उन्होंने मुझे बुलाया और माला दी और तेज तेज आवाजें इतनी थी कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, तो उन्होंने कहा ऐसे आगे आगे, तो मुझे लगा शायद अंदर पंडित जी को देनी है, तो मैंने वो माला दोनों माला पंडित जी को दे दी। तो उसके बाद में शिवम ने बताया कि वो माला मेरे लिए आई थी, मतलब अंदर से चढ़ के कृष्ण जी के पास से वो मेरे लिए लाई थी कि एक मेरी और एक शिल्पा की। फिर मैंने सोचा अब यार मैंने तो वापस कर दी, फिर मैं दुख मनाने बैठी कि अब तो गई माला, अब वापस हो गई। फिर उसके बाद लास्ट में फिर से पंडित जी ने फिर बुलाया और शिल्पा और मुझे माला दिए गए, फिर मुझे इतना अच्छा फील हुआ, मैंने कहा ओ माय गॉड। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी भी है कि ऐसा इन रियल एक कृष्ण जी की जो वो थी भक्त कह सकते हैं, उनके साथ ऐसा ही हुआ था और वो स्टोरी बताई पंडित जी ने, हमें सुन के अच्छा लगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे फिर बहुत लकी फील हुआ गाइस। और उसके बाद फिर हमने कुछ खाया पिया और मार्केट से तो कुछ सामान लिया क्योंकि वो हम लेंगे कल, और कल भी बहुत अच्छी अच्छी जगह जाने वाले हैं, अभी डिसाइडेड नहीं है कहाँ कहाँ वैसे तो, पर काफी जगह जाने वाले हैं। और मैंने फिर से एक और बुक लिया, वेट गाइस मैं दिखाती हूँ तुम्हें, और वो बुक सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज की है और बुक का नाम है मेडिटेशन। और ये है मेरा जो माला और वो मैं दिखाती हूँ एक सेकेंड। तो ये है गाइज मेरी माला। तो उसके बाद फिर हाँ मैं क्या बता रही थी, बुक। तो मैंने फर्स्ट बुक भी अपनी जो ली थी जब मैंने बुक रीडिंग स्टार्ट की थी तो यहीं से ली थी, फाइंडिंग आवर लॉस्ट हैप्पीनेस, और वो आज भी वहाँ पे थी बुक, और आज भी मैंने ली और ये सिर्फ 20 रुपीज की है। पढ़ूंगी तो मैं रात को ही पढ़ूंगी, बहुत कम पेजेस की बुक है। और सुबह 5 बजे भी हम लोग जाएंगे स्कॉन फिर से क्योंकि मेरा बहुत मन है, मेरा तो आने का ही मन नहीं कर रहा था यार वहां से, और इतना ज्यादा अच्छा फील हुआ। फिर उसके बाद हम गए बांके बिहारी जी के मेन मंदिर, जो सबसे मेन मंदिर है वृंदावन का, है ना शिल्पा। फिर वहां पे कहते हैं कि कृष्ण जी की आंखों में देख के जिसने जो मांग लिया वो पूरा हो जाता है, तो मैं तो ऐसे ऐसे हो रही थी कि आंखें मिल जाए और इतना कूद कूद के देख रही थी। हाँ तो फिर मैंने ऐसे ढूंढ ढूंढ के इतनी बड़ी बड़ी व्हाइट आंखें और ऐसे बहुत अट्रैक्टिव सी थी, मतलब कि ऐसा मन करता है देखते ही रहो देखते ही रहो, और हाइट का फायदा हुआ काफी, कूद कूद के वैसे भी देख लिया। फिर से हमें इसमें अपॉर्चुनिटी मिली कि हम ऐसी जगह पे खड़े हो गए थे कि वहां से दिख ही दिख रहे थे कृष्ण जी, और बार बार वो कर्टेन लगा देते हैं क्योंकि देख नहीं सकते उनकी आंखों में ज्यादा देर तक। ऐसा बताया गया है कि वहां से कृष्ण जी 3 बार जा चुके हैं क्योंकि वो बहुत हाँ क्योंकि वो बहुत नटखट है, इसलिए बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छा फील हो रहा है अभी, मैं तुम्हें एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती गाइस कैसा हो रहा है। आज का व्लॉग फिर हम यही एंड करते हैं क्योंकि सुबह भी जाना है मुझे नहीं मतलब हमें, तो अभी व्लॉग एडिट करना पड़ेगा। और आई होप आप लोगों के भी घर बैठे बैठे अच्छे से दर्शन हो गए होंगे, दोनों जगह वीडियो बनाने का मतलब ट्राई किया पर बन नहीं पाई, दूसरी जगह तो शिल्पा का तो फोन छीनने को हो गया था, गार्ड बंद करो मैडम बंद करो वीडियो, बागी बिहारी जी के मंदिर में वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, बट मैंने घुसते ही बना ली थी क्योंकि मुझे पता था वहाँ अलाउड नहीं है, तो फिर उसके बाद मैंने फोन उठाया नहीं।
शिल्पा खड़िया। कुछ चीजें इसके ब्लॉग में दिखेंगी जो मेरे में नहीं दिखेंगी। हाँ, और बहुत बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो शिल्पा के ब्लॉग में दिखेगी मेरे में तो दिखेंगी। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को, और आप सबको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल जाए, काश घर बैठे बैठे और सबके अच्छे से दर्शन हो भी गए। कि आज का दिन बहुत ज्यादा हेक्टिक था, अब हम सीधा सोने जाएंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, शुभ बाय। थोड़े जे आ रूड़, थोड़े आ रू घंटे।